भाई यहाँ पे लोग चेक करो यार, इतने ज़्यादा ही क्राउड है यहाँ पे भाई। कितना बड़ा लाइन है देख करो, बहुत बड़ा ही लाइन है यहाँ पे भाई। मंदिर क्या मस्त दिख रहा है ना, ये चेक करो, और यहाँ पे लोग भी बहुत है भाई। ओके तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ये है नृत्य मंडप मंदिर पे। जैसे कि देख सकते हो ये जो गेट है ना, ये पूरा बंद है यहाँ पे। क्योंकि वैसे तो हम लोग अभी आए थे और एक मंदिर पे जो कि सन टेम्पल के बिल्कुल पीछे ही है, और यहाँ पे दिखाई देती है माँ छाया। और वो चेक करो, पता नहीं है बट बंद है ये भाई। ऊपर को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे? ऊपर अलाव नहीं, पत्थर गिर रहे हैं। ओ पत्थर गिर रहा है ऊपर से? ओ मंदिर के ऊपर नहीं छोड़ रहे क्योंकि वहाँ पे पत्थर गिर रहा है। और मंदिर क्या ही सुंदर दिख रहा है ना भाई, और यहाँ पे सारे लोग फोटो खिंचवाने में व्यस्त है भाई। ऊपर को किसी को छोड़ नहीं रहे क्योंकि बोल रहे तो पत्थर नहीं गिर रहे, और वो तो बिल्कुल ही बंद है। तो ओके तो भाई अभी चलते हैं यहाँ से और ये सब कुछ घूमते हैं और मिलते हैं आपसे, ठीक है? ओके बॉयज, तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर के साइड पे। और ये चेक करो यहाँ पे जो कारीगरी हुआ है ना,
मतलब ये सब कुछ देव देवियों को दर्शाता है यहाँ पे। और ये जो बड़ा सा ये देख रहे हो ना, क्या इसको बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। ये जो भी देख रहे हो ना, इससे टाइम पता चल जाता है। ये जो इसे जो मतलब गैप गैप हुआ है ना इसमें, ये सब टाइम दिखाता है यहाँ पे। क्या मस्त दिख रहा है ना, मतलब पहले ज़माने में क्या कुछ बनाया जाता था। और ये सब कारीगरी भी चेक करो, और ऊपर में मंदिर, और ये बिल्कुल रथ के जैसा दिख रहा है भाई दूर से, बिल्कुल रथ के जैसा दिख रहा है ये दूर से। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें भी है जो कि घूमना है, और फिर जाना है हमको चंद्रभागा के लिए, और वहाँ पे बीच में भी थोड़ा घूमा घूमी करना है। तो चलते हैं, अभी थोड़ा घूमते हैं, आप लोग सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए तब तक, ठीक है। ओके, तो बॉयस हम लोग आए थे यार एक साइड पे, और यहाँ पे देखो ये प्रतिमा जो बनी है ना, बहुत मस्त दिख रही है। ये हॉर्स है, हॉर्स किसी के ऊपर चढ़ा है, बस शायद से वो सिर भी टूट गया है और ये भी टूट गया है। इस साइड में भी सेम ही है, टूट गया है सब कुछ। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि अभी तक टूट गए हैं, बहुत सारे चीज़ें, तो कोई नहीं। वहाँ पे भी कुछ है, वहाँ पे भी जाना है। और मंदिर का ये हिस्सा क्या हुआ है पता नहीं, शायद से टूट गया था शायद से। और वहाँ पे सीढ़ियाँ भी है, हमको छोड़ दूँ वही मजा आ जाएगा ऊपर जाके। ओके बॉयज, तो अभी यहाँ पे थोड़ा घूमते हैं और फिर चलते हैं काम पे, चंद्रभागा बीच के लिए, और वहाँ पे थोड़ा घुमा घूम करके चलेंगे घर को, ठीक है। क्योंकि बॉयज, तो हम लोग अभी आए थे और एक मंदिर पे जो कि सन टेम्पल के बिल्कुल पीछे ही है, और यहाँ पे दिखाई देती है माँ छाया। और वो चेक करो, ये है छाया टेम्पल माँ का, और ये बिल्कुल सन टेम्पल के पीछे ही है, ऐसा कुछ ये दिखता है भाई। और बिल्कुल सन टेम्पल के पीछे ही है, और ये बहुत टूट फूट गया है भाई चारों तरफ से, इस तरफ ये है, इस तरफ नहीं है। तो ऐसा भी यहाँ से भी निकलते हैं और चलते हैं और कहीं पे। और ये चेक करो भाई, कैसे टूट गया है मंदिर, बिल्कुल ये चेक करो, बिल्कुल टूट गया ना मंदिर, यहाँ से बिल्कुल टूटा हुआ है। और यहाँ पे चेक करो भाई, कितना बड़े बड़े मेसिन है यहाँ पर, वाओ। और यहाँ पे गेट को बिल्कुल बंद कर दिया भाई, ये मेसिन साइज ऊपर से आने के लिए ऊपर को। और उधर के साइड में है हाथी, और इधर कुछ था जो कि टूट गया है बिल्कुल। ओके, तो अभी भाई बहुत तेज़ का धूप भी हो रहा है यहाँ पे मंदिर के पास, तो हालत बदला है, बहुत सारे लोग भी है, और चारों तरफ को ये रस्सियाँ बंधा हुआ है, क्यों ये उधर को गया है एक रस्सी। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा घूमना भी डन हो चुका है कोणार्क मंदिर, और ये सन टेम्पल बहुत ही मस्त दिख रहा है ना भाई। और अभी हमारा जाने का वक्त आ गया, इसको बाय बाय बोलते हैं, और अभी चलते हैं हम लोग, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, थोड़ा खाना पीना करते हैं, और फिर चलना है हमको चंद्रभागा बीच के लिए, और वहाँ पे जाके थोड़ा मस्ती वगैरह करेंगे और फिर निकल जाएंगे घर को, ठीक है। तो चलो, अभी ये नृत्य मंडप है, नृत्य मंडप, चलो फिर कभी आएंगे घूमने के लिए दोस्त लोगों के साथ। ये जो कारीगरी हुआ है ना, बहुत मस्त हुआ है। तो अभी चलते हैं बॉयस, और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग पे, ठीक है। ओके बॉयस, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सन टेम्पल से, और अभी चल रहे हम लोग कहीं पे खाना खाने के लिए। खुद रखी भाई ऊपर उठे भी, ओके बॉयज, तो हम लोग रुके थे यहाँ पे, ये कुछ ग्रीन चिल्ली का फर्स्ट कॉफ़ी था, रेड चिल्ली, यहीं पे रुके थे और खाना पीना खा लिए हम, और अभी निकलते हैं यहाँ से। ओके बॉयज, तो हम लोग ने खाना पीना खा लिया यहाँ पे, ग्रीन चिल्ली से सस्ता भाई रेड चिल्ली से। और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से चंद्रभागा के लिए, और 1:30 बज चुके हैं ऑलरेडी,
हमको 2:30 या फिर 3 बजे के अंदर यहाँ से निकलना है अभी, तो चलते हैं अभी बॉयज चंद्रभागा बीच के लिए, ठीक है। और यहाँ पे चारों तरफ बस होटल्स हैं होटल्स हैं भाई, और लोग रोड पे आके बुलाते हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्यों जाए भाई क्यों जाए। तो बॉयज अभी चलते हैं चंद्रभागा, और अभी एक बहुत मस्त रोड आने वाला है जहाँ पर कि गाड़ी भगाने का मज़ा ही कुछ अलग है भाई। ये तो फिलहाल नहीं था। ओ वाह क्या रोड है बे। और आ गया प्लेन रोड, और अभी चलते हैं। ओके बॉयज, तो फाइनली हम लोग आके पहुंच चुके हैं चंद्रभागा बीच पे, और अभी चलते हैं ऊपर, गाड़ी पार्क करते हैं और फिर चलते हैं बीच के किनारे। ओ भाई क्या मस्त व्यू दिख रहा है भाई यहाँ से। चलो अभी अंदर चलते हैं और मिलते हैं बॉयस। ओके बॉयस, सो फाइनली हम लोग आके पहुंच चुके हैं चंद्रभागा के बीच, और ये चेक करो गाइस व्यूज के भाई। बट दोस्त लोगों के साथ आने से बहुत मज़ा आता, बट क्या करें अकेले तो चले आए हैं, और मस्त मज़ा आ रहा है भाई घूमने को। और ऊपर हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर लिया हमारा रॉकेट को, और आगे हम लोग घूमने के लिए नीचे, और भाई बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बीच का कुछ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे थोड़ा, क्या करेंगे भाई अकेले, थोड़ा मस्ती करते हैं और फिर यहाँ से निकलना है घर के लिए, ठीक है, क्योंकि जल्दी घर को भी जाना है, घर को जाके भाई बहुत सारा काम भी है। तो अभी चलते तो हम लोग बॉयज बीच में गए थे गाड़ी का सिनेमैटिक्स वगैरह बनाने के लिए, उस साइड में मेरिन ड्राइव के, तो गए और सिनेमैटिक्स बनाए एक तगड़ा वाला हमारे बाइक के लिए, और कुछ रील्स वगैरह भी बनाए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको बोला भाई हमारा रील बना दो, बना दिया उन्होंने। तो बॉयज अभी हम लोग फाइनली निकल रहे हैं घर के लिए, और बाय बाय करते हैं अभी चंद्रभागा को, बीच को भी बाय बाय करते हैं, और अभी निकलना है भाई हमको। स्पीड ब्रेकर्स, तो चलो बस अभी चंद्रभागा से तो हम लोग निकल रहे हैं, चलते हैं अभी और आगे देखते हैं। अरे अरे अरे, अरे। बॉयज तो हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं कोणार्क मंदिर को, और चलते हैं हम लोग घर को। बाय बाय सूर्य देवता, मिलेंगे फिर और किसी दिन। और ये रोड तो भाई बहुत मस्त है भाई, कोई भी गाड़ी का टॉप स्पीड ट्रैक कराना ना उड़ीसा में स्पेशली, तो भाई प्रेफरेंस एक ही है मेरिन ड्राइव रोड, यहाँ पर ट्रक नहीं आते सबसे बड़ी बात। और जो भी पहाड़ों के साइड में रोड होता है ना, वहाँ पे ट्रक ज़्यादा चलते हैं, वही एक डिसएडवांटेज है वहाँ पे। बट यहाँ पे इतना ट्रक नहीं चलते, ट्रक तो बिल्कुल भी नहीं चलते बोल सकते हो, एक दो वहाँ पे कभी कभी आ जाता है, और बाकी तो और रोड तो मस्त है वहाँ पे, और इतना भी गाड़ी नहीं आता, तो वहाँ पे स्पीड अप करने में बहुत मज़ा आता है भाई तगड़ा।
और अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्या 13 बज गए मतलब, अबे 15 बज गए सॉरी 15 बज गए मतलब 3 बज गए, तो 3 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं पिपली में कब तक पहुँचते हैं, कितना टाइम लगता है, और आराम से जाने वाले हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं जाएंगे क्योंकि आगे थोड़ा रोड ख़राब है, यहाँ पे काम चल रहा है रोड का, तो थोड़ा धीरे ही जाएंगे। क्यों भाई स्पीड अप करना है, कुछ नहीं चाहिए। और अभी बजा है 3:44, तो 44 मिनट लगे हमको यहाँ पे आके पहुँचने के लिए, और फाइनली बॉयस हम लोग आके पिपली में पहुँच चुके हैं। अब भी चलते हैं घर को और घर में जाके रेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय, लव यू ऑल बॉयज़।